विपक्षी एकता बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 26 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत बरखंबा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाना धारा 1925 का उल्लंघन है। इस शिकायत के बाद इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस शिकायत में इन सभी विपक्षी दलों के नाम भी लिखे गए हैं जो बेंगलुरु में हुई बैठक का हिस्सा थे। साथ ही उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। गठबंधन का टैगलाइन जीतेगा भारत रखा गया है। 26 वर्षीय अविनाश मिश्रा ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस शिकायत में ये भी कहा कि चुनावी राजनीति के लिए देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शिकायत में उक्त कानून के पॉइंट संख्या 6 का हवाला दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि रिपब्लिक या यूनियन ऑफ इंडिया का नाम, चिन्ह या सील का इस्तेमाल रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। एक्ट के सेशन 5 के तहत इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बता दें कि अगर इस कानून के तहत विपक्षी दल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही इस नाम का वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। बताते चले कि महाराष्ट्र भाजपा के सोशल मीडिया हेड और अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने भी भारतीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने इंडिया नाम को राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने की मांग की है। मंगलवार 18 जुलाई 2023 को लिखे गए इस पत्र में आशुतोष दुबे ने यूपीए की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तरीके को आपत्तिजनक बताया है।